हम सब कृष्ण भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा एवं आस्था के प्रतीक स्वरूप दीप प्रज्वलित करते हुए आज के कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हैं। देश विदेश से अनेक लोग इस स्मृति व्याख्यान के लिए जुड़ चुके हैं और इस व्याख्यान का पंजाब विश्वविद्यालय के वेबकास्ट तथा यूट्यूब से लाइव प्रसारण भी हो रहा है। इस समय टंडन जी की सुपुत्री पूनम मल्होत्रा एवं उनके पति पंकज मल्होत्रा जी श्री राजनाथ जी के साथ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे माननीय राजनाथ सिंह जी को पुष्प देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। हम सब की तरफ से राजनाथ जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। अब मैं पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय राजनाथ सिंह जी का और आज के कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों के स्वागत के लिए कुछ शब्द कहें। प्रोफेसर राजकुमार जी। बलराम जी दास टंडन जी के परिवार के सदस्य पंजाब विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स एवं विद्यार्थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी, बलराम जी दास टंडन जी के तीसरे ऑनलाइन स्मृति व्याख्यान में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि इस व्याख्यान के लिए आज हमारे मध्य भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से तथा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुनः अभिनंदन स्वागत करता हूँ। राजनेता, समाज सुधारक एवं राष्ट्रभक्त बलराम जी दास टंडन जी ने अपना समस्त जीवन राष्ट्र और समाज के हित में समर्पित किया और वे आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व की स्मृति में आयोजित यह व्याख्यान भी हम सब के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पंजाब विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विद्वान, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता तथा अनेक क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति दिए हैं। पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षित भारत, सशक्त भारत के सपने को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। माननीय मंत्री जी, यह बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पंजाब विश्वविद्यालय ने ग्लोबल लेवल पर 100 से अधिक MOU करके अपना प्रभाव एवं महत्व साबित किया है। विश्वविद्यालय रिमोट रिसोर्स जनरेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वर्तमान चुनौतियों से सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। इसका कारण है यहाँ के महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर, जो सिर्फ तकनीक के विकास की दिशा में ही काम नहीं कर रहे हैं बल्कि पॉलिसी ड्राफ्टिंग, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में तथा सामुदायिक सहभागिता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, पंजाब विश्वविद्यालय ने अपनी अकादमिक क्षमता के कारण 2020 में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में दूसरा रैंक हासिल किया है। 2021 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
बाय टाइम्स हायर एजुकेशन की लिस्ट में पंजाब विश्वविद्यालय चौथे रैंक प्राप्त किया है। यह भी अत्यंत सुखद बात है कि 1987 में स्थापित किया गया पंजाब विश्वविद्यालय का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर यूजीसी की उन 50 सेंटरों की सूची में शामिल है जो कि कॉलेज और विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान कर रहा है, जिसमें ओरिएंटेशन कोर्स, रेफ्रेशर कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंपटीशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा प्रोग्राम फॉर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स शामिल है। पंजाब विश्वविद्यालय की अर्न वाइल लर्न स्कीम के तहत हजारों जरूरतमंद विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले साल मार्च के महीने में आई कोविड महामारी के बावजूद पंजाब विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स तथा विद्यार्थी रिसर्च के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। यही कारण है कि विपरीत परिस्थितियों के बाद पंजाब विश्वविद्यालय पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 102 रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी, डीबीटी, डीएसटी तथा सीएसआईआर को सबमिट कर चुका है। इस दौरान तकरीबन 400 वेबिनार, ऑनलाइन सेमिनार, वर्कशॉप तथा कॉन्फ्रेंस इत्यादि आयोजित किए गए हैं। यह बताते हुए भी अत्यंत गर्व का महसूस होता है कि पंजाब विश्वविद्यालय इस कार्य में शायद प्रथम विश्वविद्यालय की श्रेणी में है। पंजाब विश्वविद्यालय के UIPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ने फार्मेसी इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री की NIRF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। पंजाब विश्वविद्यालय इस बार यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की QS एशिया रैंकिंग में 36वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही हमें सेंटर फॉर वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी CWR द्वारा जारी की गई 2019-20 की लिस्ट में पंजाब विश्वविद्यालय टॉप 4.1 विश्व स्तर पर रैंक में आई है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत पंजाब विश्वविद्यालय ने तमाम शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में अपना 34वां रैंक हासिल किया है। पिछले वर्ष पंजाब विश्वविद्यालय को अनेक फंडिंग एजेंसी ने तकरीबन 6 करोड़ रुपए विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब विश्वविद्यालय में MHRD के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की ग्रांट भी शामिल है। यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से 17 विषयों में MOUs साइन किए। यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल ने पहली बार एक अपनी ही तरह का विशेष कार्यक्रम चलाते हुए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया तथा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम यूनाइटेड किंगडम के साथ ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। पंजाब विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से जोड़े रखने के लिए लाइब्रेरी रिसोर्स एक्सेस एट होम फैसिलिटी भी प्रदान की गई है। इस प्रयास के फलस्वरूप फैकल्टी मेंबर तथा पंजाब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पुस्तकालय की तकरीबन 2 लाख पुस्तकों को घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। यह अपने तरह की एक अलग सुविधा विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों तथा रिसर्च साइंटिस्ट को उपलब्ध कराई है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि 13 वर्ष के अंतराल के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय ने बहुत ही प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स ट्रॉफी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, और जो स्पोर्ट के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर किसी विश्वविद्यालय को मिलती है, हासिल की है। पंजाब विश्वविद्यालय ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स तथा स्पोर्ट्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के सहयोग से पीसा में फरवरी 2020 में आयोजित पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां प्रमाणित करती हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय निरंतर सफलता के सोपान छू रहा है। इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होने के नाते मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी पंजाब विश्वविद्यालय इसी प्रकार सफलता के नए आयाम स्थापित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः परम आदरणीय
राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूँ और उन्हें बलराम जी दास टंडन स्मृति व्याख्यान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर राजकुमार जी। अब मैं बलराम जी दास टंडन जी के सुपुत्र श्री संजय टंडन जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे साथ इस स्मृति व्याख्यान एवं बलराम जी दास टंडन फाउंडेशन के संबंध में कुछ बातें साझा करें। श्री संजय टंडन जी। आज के इस तीसरे बलराम जी दास टंडन मेमोरियल लेक्चर जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसमें ख़ास तौर के ऊपर हमारे बीच वर्चुअली जो आज उपस्थित हैं आदरणीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आपने एक बार हमारी रिक्वेस्ट को आपने तुरंत आपने मानकर हमें जो मान दिया है उसके लिए टंडन परिवार आपका आभारी रहेगा। इस कार्यक्रम को हर साल की तरह पंजाब यूनिवर्सिटी बड़े अच्छे ढंग से कर रही है। ये तीसरा कार्यक्रम है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मैं राजकुमार जी का भी इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अविनाश खन्ना जी मेरे बड़े भाई और हिमाचल भाजपा के अंदर मुझे उनके साथी के तौर पे काम करने का मौका मिल रहा है और अपने मेरे पिताजी के साथ उन्होंने कई वर्षों तक काम किया, आज वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका भी खन्ना जी आभार व्यक्त करता हूँ। आज एक ख़ास दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। मैं सब श्रोताओं को जो हज़ारों की गिनती में देश और विदेश में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उन सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका भी स्वागत करता हूं। हर वर्ष की भांति मुझे अपने पिताजी के बारे में कुछ ना कुछ बात कहने का इस मेमोरियल लेक्चर के माध्यम से मौका मिलता है। मैं आज उनके जीवन में से कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो शायद कहीं पर अंकित नहीं करी गई, कहीं पर लिखी नहीं गई, लेकिन जब उनका देहांत हुआ था तो उस समय एक अखबार के अंदर एक आर्टिकल छपा था जिसका शीर्षक था राजनेता के पीछे का महामानव। तो मैंने सोचा कि आज उस महामानव का आपसे मैं परिचय कराऊं। उनके जीवन काल की एक घटना मैंने पिछले साल आपके साथ शेयर करी थी जिसमें क्योंकि वो हनुमान जी के बहुत भक्त थे तो उन्होंने किस तरीके से भगवान ने उनके जीवन में उनकी सहायता करने के लिए वो खुद उनके पास आए। आज मैं एक और ऐसा ही विषय आपके साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो पिताजी ने अपने जो मुख से मुझे सुनाया कि जब वो उनकी शादी नहीं हुई थी और पार्टी के कार्य में और संघ के कार्य में वो बहुत ही जो सक्रिय रहते थे तो घर वाले कहते थे कि भाई तुम शादी कर लो, तो वो बड़े सोच में पड़ जाते थे कि भाई मैं अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिससे कोई ऐसी महिला जिससे शादी होगी तो वो मेरे साथ ये कार्य में मेरा सहयोग कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो वो इस चिंता में एक दिन अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे तो उस समय वहाँ पर एक कोई योगी पुरुष आए और उन्होंने उनको कहा कि बेटा तुम जिस समस्या के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारी समस्या का जल्दी समाधान होगा और तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। ये कहकर उन्होंने एक ये सिक्का जो जिस सिक्के के ऊपर एक तरफ भगवान राम और सीता जी की
जो चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ राम दरबार का चित्र है। ये सिक्का उन्होंने पिताजी के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब पिताजी ने उसको संभाल के रख लिया। ये सिक्का कोई वो मार्केट में चलने वाला सिक्का नहीं है, कोई ये भारत सरकार द्वारा इशू किया हुआ सिक्का नहीं है, ये शायद सोने का या उसके किसी धातु का बना हुआ ऐसा सिक्का है। अब ये इस कहानी का जो दूसरा पार्ट है, उस पार्ट के अंदर क्या होता है कि जब पिताजी की शादी होती है, उसके कुछ बरसों के बाद जो मेरे नानी जी उनको एक सिक्का देते हैं और वो बात करते हैं, और ये उसका दूसरा सिक्का है। तो वो बात करते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत चिंता करती थी कि इसको कोई सही वर मिले। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी एक दिन बैठे हुए, तो एक योगी पुरुष आए और उन्होंने वो सिक्का एक मेरे को दिया। अब आपकी शादी, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से हो गई है और मेरी बेटी सुखी है, तो मैं ये सिक्का आपको भेंट कर रही हूँ। अब पिताजी को जब ये सिक्का मिला और उन्होंने अपना जो उनको मिला था सिक्का जब वो निकाल के देखा, तो आप हैरान होंगे, ये दोनों सिक्के सेम थे। ये कहाँ से योग प्रभु ने जोड़ा, किस तरीके से मेरे माता पिता को कनेक्ट किया, वो योगी पुरुष वो दोबारा कभी नज़र नहीं आए, लेकिन ये सिक्के, दोनों सिक्के आज भी हमारे घर के मंदिर में ये हमेशा पड़े होते हैं और हम अपनी पूजा में हम इनको भी अपनी पूजा अर्पण करते हैं। सो मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति का जो जीवन है, उन्होंने एक महामानव के तौर के अंदर जिस तरीके से उन्होंने व्यतीत किया, ये उसमें उनकी बहुत सी बातों की ये एक छोटी छोटी जो है वो घटनाएं हैं। जैसे वो राजनीति में तो आए, लेकिन राजनीति उनके अंदर नहीं आई। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि जो लोग बोलते हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि टंडन जी ने तो मेरा जीवन सुधार दिया, टंडन जी ने मेरे को अपने कार्य में खड़ा कर दिया, टंडन जी ने मेरा घर बनवा दिया, मेरे को नौकरी दिला दी। ऐसे कितने लोग मेरे को रोज़ाना मिलते हैं जो ऐसी बात करते हैं। अभी कल ही की बात है कि मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति को मिला, जिससे मैंने मिलने के लिए समय मांगा। तो मैं जब समय मिला तो मैं मिलने के लिए गया, तो वो मेरे को रिसीव करने के लिए वो बाहर तक आए। मैंने कहा कि भाई साहब, ऐसा क्या आप मेरे को इतना सम्मान दे रहे हैं? तो वो कहने लगे कि मेरा जीवन में आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो वो आपके पिताजी की बदौलत है, उन्होंने मेरे को बहुत मुश्किल से बचाया था, लेकिन मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका था, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको रिसीव करके आपके माध्यम से उनके तक अपना धन्यवाद पहुँचा सकूँ। सो इस तरीके के कई हमारे साथ ऐसी बातें घटती हैं। पिताजी ने कभी जो है वो, आज हम सब लोग देखते हैं कि हमको ज्ञान बांटने की जो है वो बहुत इच्छा रहती है और हम दूसरों को बताते रहते हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी भी हम कुछ वीडियोस के माध्यम से ज्ञान बांटते रहते हैं, लेकिन पिताजी ने कभी ऐसे कोई ज्ञान बांटने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने अपना जीवन ऐसे व्यतीत किया कि जिस तरीके से उनको देखकर लगता था वो कैसे लोगों को मिलते थे, कैसे बिहेव करते थे, उनका सत्कार करते थे, घर में आए गए का उन्होंने ध्यान देना, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति घर में मिलने के लिए आए तो वो उसको तो घर के सब लोग अटेंड करते ही थे, लेकिन जो घर उनके बाहर कोई ड्राइवर गनमैन होते थे तो वो उनको खास पूछने के लिए बाहर चले जाते थे। यहाँ तक कि ऐसा आभास हमको हुआ कि जिस दिन उनका देह जो है वो हमारे घर के आंगन में पड़ा था, तो उस समय घर चारों तरफ से लोग आए हुए थे, घिरे हुए थे। तो मेरी पत्नी प्रिया को
ऐसा लगा कि वो पापा ने उसको बुलाकर उसको ये उसके कान में कहा कि तुम बाहर लोग बहुत खड़े हैं, उनके लिए पानी का प्रबंध कर दो, उनके लिए कुछ चाय का प्रबंध कर दो, देखो वो ठीक ठाक हैं। ऐसा भाव उनके मन में हमेशा रहता था और पार्टी से भी ऊपर उठ के उन्होंने हमेशा कोशिश करी कि कोई भी व्यक्ति उनके पास आए वो उसके लिए मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उनके दिखाए हुए मार्ग की ऊपर हम भी चल सकें और परिवार पार्टी और समाज देश जो है उसमें हम भी उसके अंदर अपनी एक गलहरी की भूमिका हम भी उसके अंदर अर्पण कर सकें। आज के इस मेमोरियल लेक्चर में आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और पिताजी के लिए हमने एक 5 मिनट की एक छोटी सी एक वीडियो एक आपके लिए तैयार करी है। मैं अपने आईटी के लोगों को कहूंगा कि उसको चलाकर जरा सबके साथ शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कहेंगे कि आजादी थोड़े कहेंगे, वो तो बर्बादी कहेंगे। सो पंजाब के अंदर किसी ने आजादी की खुशी नहीं पाई। नवयुवा बलराम जी दास टंडन तब सक्रिय हुए, समाज की वेदना को महसूस करते हुए वे घर परिवार को छोड़कर सन 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। और मेरा जो फर्स्ट इलेक्शन है जो 53 के अंदर मैं वहां पर की नगर निगम का मेंबर बना, 52 में तो आई वॉज नॉट 25 जब पहला इलेक्शन जनरल इलेक्शन I was less by 6 months, 24.5 साल मेरी उम्र थी, इसलिए आई कुडंट कंटेस्ट क्योंकि कम से कम 25 साल चाहिए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद पर 2014 से 2018 तक कर्तव्य पद पर रहते हुए दिनांक 14 अगस्त 2018 को बलराम जी दास टंडन प्रभु चरणों में विलीन हो गए। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, उनके राजनीतिक और पारिवारिक करीबियों ने अत्यंत भावुक शब्द व्यक्त किए, जिनमें भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के साथ साथ भारत की कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने दुख व्यक्त किया। बलराम दास जी संघ के पहली पीढ़ी के या अधिक से दो पीढ़ियां और आगे है तैयार काम करने के लिए, और उनको तैयार करना है तो कैसे तैयार करना है, तो पिछले दो पीढ़ियों के कार्यकर्ता कैसे थे, इसलिए जो कोर कॉम्पिटेंस आवश्यक है उसके उदाहरण जहां जहां मिलते हैं वहां वहां देखने जाना। मैं भी उसी भाव से आया हूँ। राजनीति में इतने उतार चढ़ाव आए, ऐसा निश्चल चरित्र, ऐसा निष्पक्ष चरित्र और ऐसा दृढ़ हिम्मत वाला व्यक्ति देखने को नहीं मिला। हमारे देखते हुए, हमारे मतलब आप सबके, हमारे देखते
चले हुए करोड़ों लोग चले गए और ऐसे करोड़ों लोगों के देखते हुए हमने भी एक दिन चले जाए। तो इस छोटी सी आयु के अंदर हम जो बात कबीर जी ने कही, जिसका भजन यहाँ पर हमें सुनने का मौका मिला, कि जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। संजय, प्रिया, यश, अलका, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत लंबी और स्वस्थ आयु दे, ये मेरी हृदय से भगवान के चरणों में प्रार्थना है। पंजाब तथा निकटवर्ती क्षेत्र ही टंडन जी का कार्य क्षेत्र में रहा। इस क्षेत्र में अपने सार्वजनिक जीवन में टंडन जी ने यश और प्रतिष्ठा अर्जित की, जिसे आज भी लोग आदर के साथ स्मरण करते हैं। He was a person from the politics of ideology. एक विचारधारा के लिए समर्पित होकर के जीवन लगाना और अपने जीवन के साथ साथ उस जीवन को उस विचारधारा के साथ जीना, ये बलराम जी दास टंडन जी से हमको सीखने को मिलता है, हमको समझने को मिलता है और ये हमको ध्यान में रखना। जन कल्याण के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। वे 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे और 3 वर्ष से बीजेपी चंडीगढ़ के जनरल सेक्रेटरी। वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और बीजेपी हिमाचल के सहप्रभारी। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण स्मृति व्याख्यान के वक्ता माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से सविनय निवेदन करूंगी कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करके हम सबको अनुग्रहित करें। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अविनाश जी खन्ना, श्री संजय जी टंडन, श्रीमती पूनम मल्होत्रा और श्री पंकज मल्होत्रा, समस्त सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वर्गीय बलराम दास जी टंडन की स्मृति में व्याख्यानमाला विगत कुछ वर्षों से कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आज स्वर्गीय बलराम दास जी टंडन की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर बोलने का आग्रह किया गया है। यह विषय बहुत बड़ा है और दिन भर भी मैं बोलूंगा तो भी समय कम पड़ जाएगा, इसलिए अपनी बात कुछ प्रमुख मुद्दों तक ही मैं सीमित रखूंगा। सबसे पहले मैं स्वर्गीय बलराम दास जी टंडन की स्मृति को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन काल में इस देश का बहुत ही कठिन समय देखा है। उन्होंने देश के विभाजन की विभीषिका को बहुत करीब से देखा है। वह दौर नफरत और हिंसा का ऐसा दौर था जिसे हम चाह कर भी नहीं भूल सकते। न जाने कितने घर रातों रात उजड़ गए, जिंदगियां तबाह हो गई। आज इतने वर्षों बाद भी उसकी पीड़ा देश में महसूस की जाती है। इसीलिए 1947 में हुए देश के विभाजन के बाद
जो लोग हिंसा और नरसंहार के शिकार हुए उनकी स्मृति में इस साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विवीष का स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मेरा मानना है कि यदि आज टंडन जी होते तो इस निर्णय की संवेदनशीलता को सामान्य जन की तुलना में और बेहतर ढंग से समझते और लोगों को समझाते भी। उनके जीवन की दूसरी बड़ी घटना जिसका उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा वो था 1965 में हुआ भारत का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें हर भारतवासी ने खुद को उस लड़ाई से जोड़ लिया। उन दिनों वे अमृतसर में थे और वह इलाका उन दिनों काफी सक्रिय था। उस दौरान उन्होंने भी भारतीय सेना की मदद के लिए जो कुछ भी संभव था वह किया और उसका असर उन पर इतना गहरा था कि सेना और सुरक्षा के प्रति एक संवेदना और सम्मान का भाव उनके मन में आजीवन बना रहा। तीसरी बड़ी घटना जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, इस तीसरी बड़ी घटना जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा वह था देश में आपातकाल का लागू होना, जब लोकतंत्र का कला घोंट दिया गया। उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं को देश भर में अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया। टंडन जी भी 19 महीने जेल में रहे। इन दिनों का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में जब कभी भी लोकतंत्र को किसी भी रूप में दबाने की कोशिश हुई उसका उन्होंने मुखर विरोध किया। साथियों, पंजाब में आतंकवाद की दस्तक ने उनकी जिंदगी पर काफी गहरा प्रभाव डाला। उस समय उन्होंने जान जोखिम में डालकर आतंकवाद का विरोध किया और सामाजिक ताने बाने में बिखराव न आए इसकी भी चिंता उन्होंने की। वे जानते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आतंकवाद इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इन चार घटनाओं ने टंडन जी के जीवन की दिशा तय की, जिसका असर यह रहा कि उन्होंने हमेशा लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं का आजीवन निर्वाह किया। इसकी वानगी उन्होंने पंजाब में मंत्री के रूप में और बाद में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में भी दिखाई है। लोकतांत्रिक परंपराओं में उनका गहरा विश्वास था। वे 2014 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त हुए। उस भूमिका में उन्होंने हमेशा संवैधानिक परंपराओं को बखूबी निभाया। उनके कार्य व्यवहार या आचरण पर कभी भी कोई उंगली उठाने का साहस नहीं कर पाया। उनका पूरा राजनीतिक जीवन सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा है। एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कभी भी कट्टरवाद और सांप्रदायिकता को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन जिस बात को लेकर उनका सबसे अधिक आग्रह था वह था राष्ट्रवाद, क्योंकि उनका यह मानना था कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा और प्रेम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। देवियों सज्जनों, इसीलिए उनके नाम पर समर्पित इस व्याख्यान वाला का विषय बहुत ही सटीक है और मैं मानता हूं समयानुकूल भी है। इस विषय पर बात रखने के लिए संजय टंडन जी, जो उनके बेटे भी हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। क्योंकि संजय जी का आग्रह था और टंडन जी के प्रति मेरे मन में हमेशा आदर और सम्मान का भाव रहा है, इसलिए तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मैंने इस कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार किया। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है तो भारत के इतिहास में राष्ट्रीय सुरक्षा को एक व्यापक दृष्टि से यदि किसी ने पहली बार देखा तो आज से करीब 2200 साल पहले आचार्य चाणक्य ने देखा। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जिस तरह के विचार उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में रखे हैं वे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रहे हैं। देवियों सज्जनों, हमारे देश का इतिहास इस बात का साक्षी है। जब जब भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उहापोह या निष्क्रियता की स्थिति रही है तब तब हमें एक नहीं अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
यह बात प्राचीन काल में देखी गई, मध्यकाल में भी यही स्थिति रही। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के दौरान भी यही देखा गया। आजादी के बाद भी अनेक मौकों पर यह स्थिति देखने को मिली है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहना हर सरकार की पहली आवश्यकता ही नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता भी होती है। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हमारे राष्ट्र के अस्तित्व, उसके विकास और उसके हितों को चोट पहुंचाने वाले हर खतरे और चुनौती से निपटना और उस पर विजय प्राप्त करना। जब हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं होगा। साथियों, सीमा सुरक्षा के दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और कई लाख वर्ग किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी रखवाली की हम चिंता करते हैं। पिछले लगभग 75 सालों में लैंड और मैरिटाइम बाउंड्रीज पर हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, मगर हमारी सेनाओं और सुरक्षा बलों ने मिलकर हर चुनौती का न केवल डटकर सामना किया है बल्कि उन पर विजय भी हासिल की है। जब से भारत आजाद हुआ है कई बार विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है जिससे आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। इसकी शुरुआत जम्मू और कश्मीर से हुई जब 1948 में कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के इशारे पर की गई इस कार्रवाई को पूरी तरह नाकाम कर दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सबक नहीं लिया और आगे भी जम्मू और कश्मीर में मुसीबतें पैदा करने की कोशिश वे लगातार करते रहे। आपको याद ही होगा कि 1965 में और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध हुए जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इन युद्धों में मिली पराजय ने पूरी तरह यह साबित कर दिया कि भारत के साथ वे फुल स्केल वार करने की स्थिति में नहीं है। साथियों, भारत के साथ सीधे युद्ध न करने की अक्षमता ने पाकिस्तान को 2 नीतियों पर काम करने के लिए मजबूर किया। एक तो उन्होंने एटमी रास्ता खोजने की दिशा में कदम बढ़ाए और दूसरी तरफ भारत को डेथ ऑफ 1000 कट्स देने की नीति पर भी काम प्रारंभ किया और इसके लिए उन्होंने भारत के साथ एक प्रॉक्सी वार की शुरुआत की और अपने यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देकर भारत को निशाना बनाने की शुरुआत की। 70 के दशक में और बाद में 80 के दशक में पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की नर्सरी बन गया। आतंकवाद के सहारे पंजाब में हिंसा का जो दौर चलाया गया उसका खात्मा बहुत बड़ी कीमत देकर हुआ है। अब जम्मू और कश्मीर में इस आतंकवाद को रोकने की दिशा में पिछले 7 सालों में सेना और सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई चल रही है। मेरा मानना है कश्मीर में बचा हुआ आतंकवाद भी समाप्त होकर रहेगा। यह विश्वास मुझे इसलिए है क्योंकि धारा 370 और 35A के चलते वहां अलगाववादी ताकतों को जो ताकत मिलती थी, जो ऑक्सीजन मिलती थी, वह अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों के रेस्पॉन्स में पिछले 7 सालों में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है और वह बदलाव है सेना और सुरक्षा बलों के बढ़े हुए मनोबल और उनकी कार्रवाई के बदले हुए तौर तरीके का।
क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम न राजनीति करते हैं न होने देते हैं, इसलिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों में यह भरोसा पैदा हुआ है कि राष्ट्र रक्षा के कर्तव्य पालन में उन्हें खुली छूट रहेगी और इससे सेना और सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास और मनोबल कितना ऊंचा हुआ है इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में भारत के हिंटरलैंड में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना उन्होंने नहीं होने दी। और मैं आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूं, जब मैं भारत का गृह मंत्री था उस समय मैंने देखा भारत के सेना के जवानों और वहां के पुलिस के जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों इंटेलिजेंस और सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन मुझे देखने को मिला था वह कोऑर्डिनेशन देखकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि अब जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का सफाया होकर रहे और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत आतंकवाद के खिलाफ देश की सीमाओं के भीतर तो कार्रवाई कर ही रहा है, साथ ही जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम हमारी सेना के बहादुर जवानों ने किया है। चाहे उरी की घटना के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा की घटना के बाद की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की है जिसकी मिसाल कम से कम आजाद भारत के इतिहास में नहीं मिलती। और मित्रों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत ने यह स्पष्ट रूप से यह संदेश सारे दुनिया को दे दिया है कि यदि हमसे कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम इस पार भी लड़ सकते हैं और जरूरत पड़ी तो सीमा के पार भी जाकर मार सकते हैं। आज हम यह मान सकते हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मॉडल धीरे धीरे भारत में अब ध्वस्त हो रहा है। हाल के कुछ वर्षों में उन्होंने सीमा पर सीज फायर वायलेशन बढ़ा दिए थे, मगर भारतीय सुरक्षा बलों से उन्हें हमेशा मुंहतोड़ जवाब ही मिला। अब पाकिस्तान को समझ में आने लगा है कि सीज फायर वायलेशन से भी उनको कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला है। पिछले दिनों फरवरी में भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है और इसलिए हम भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वह दोनों देशों के बीच एक बड़ी समस्या है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब से सीज फायर का यह पर सहमति बनी है दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच, तब से लेकर अभी तक लगभग 125, 130 या 140 दिन हुए होंगे, सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ। जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट डेफिसिट रहेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें उस तरफ से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। आज पाकिस्तान यह बात भी समझ चुका है कि कश्मीर घाटी में बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में अब वह नहीं है, और खास तौर पर जब से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है, इसके बावजूद वहां गाहे लगाए इसकी कोशिश होती है इसे मुद्दा बनाए। मगर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। हमारा एक दूसरा पड़ोसी देश चीन है, चीन के साथ भी कई बार कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हो जाते हैं। यह सच है कि लंबे समय से चीन के साथ सीमा को लेकर एक पर्सेप्शनल डिफरेंस है। इसके बावजूद कुछ ऐसे समझौते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिनका पालन करते हुए दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। यह समझौते नरसिम्हा राव जी के समय में, अटल जी के समय में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में दोनों देशों की सहमत के आधार पर हुए हैं। साथियों, पिछले साल पूर्वी लद्दाख में जो विवाद पैदा हुआ उसका कारण था कि चीन की सेनाओं ने एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया था। चीनी सेना पीएलए को यूनिलेटरल तरीके से एलएसी पर एक्शन करने की इजाजत हम किसी भी सूरत में नहीं दे सकते और न देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेनाओं को स्पष्ट बता रखा है कि एलएसी पर किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और गलवान में उस दिन भारतीय सेना ने यही किया
और पूरी बहादुरी से पीएलए के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया। और वह घटना सचमुच भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। गलवान की घटना को एक वर्ष बीत चुके हैं, मगर जिस शौर्य, पराक्रम और संयम का परिचय भारतीय सेना ने दिया है वह अतुलनीय है, अनपैरेलल है, और आने वाली पीढ़ियां भी उन जाबाज सैनिकों पर गर्व करेंगी। सीमा की सुरक्षा करते हुए जिन सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की है उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा में सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता, अगर जब गलवान का इतिहास लिखा जाएगा तब पूरा देश उनके शौर्य और पराक्रम पर गर्व करेगा। यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं। साथियों, भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग से हो, यह हम चाहते हैं। और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और स्वाभिमान से समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। सीमाओं की पवित्रता को हम कतई भंग नहीं होने देंगे। इसके बावजूद विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा देश में सेना के पराक्रम को लेकर सवाल खड़े किए गए, जबकि सच्चाई यह है भारतीय सेना ने इस बार शौर्य पराक्रम तो दिखाया ही, साथ ही जहां संयम की आवश्यकता थी वहां संयम का भी परिचय दिया है। सेना की ट्रेनिंग होती है दुश्मन की हरकत को देखते ही ट्रिगर दबा देना, मगर भारतीय सेना ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ काम करते हुए साहस और संयम दोनों का प्रदर्शन किया है। इसलिए भारतीय सेनाओं की जितनी भी प्रशंसा की जाए तो कम है। मित्रों, चीन के साथ 1962 में जो हुआ उससे हमने बहुत सबक लिया है। उस समय देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत खराब थी, आज स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। पिछले साल रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन हुआ और यह प्रोजेक्ट लंबे समय से लटका हुआ था, और हमारी सरकार ने 26 सालों का काम 6 साल में करके दिखाया। जितने हाई अल्टीट्यूड पर यह टनल बना है उतने हाई अल्टीट्यूड पर इतना बड़ा विश्व में कहीं भी कोई दूसरा टनल नहीं है। लगभग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है, और इस टनल का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। यह टनल उत्तरी सीमाओं पर सेनाओं के आवागमन को बहुत सुगम बनाता है और हमें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी देता है। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बड़ी तेजी से सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, पुलों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर रहा है। अभी मैंने कुछ ही पिछले 2 वर्षों के अंदर लगभग 100-150 ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका की काम पूरा हो चुका है उसका उद्घाटन किया है। लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी तो दी जा रही है, साथ ही कई अल्टरनेटिव रोड्स पर भी काम शुरू हो गया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती बहुत जरूरी है, और साथ ही जो भारतीय नागरिक तमाम कष्ट झेलने के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं उन्हें भी इसका लाभ होता है। क्योंकि सीमा पर रहने वाले जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनका हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम उन्हें समझते हैं। इसीलिए सीमाओं पर रहने वाले जो नागरिक हैं वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एसेट हैं और उन्हें हम अपने एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में ही देखते हैं। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी है। लद्दाख के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने नॉर्थ ईस्ट में 12 सड़कों और लद्दाख में एक कार्यक्रम के माध्यम से 63 पुलों का उद्घाटन किया है। यह सब देश में सिर्फ एक इंफ्रा प्रोजेक्ट भर नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड का एक अहम हिस्सा है। साथियों, एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका इंसर्जेंसी की चपेट में था। पिछले 7 सालों में नॉर्थ ईस्ट में शांति का एक नया दौर आया है, आप सबको भी इस बात की जानकारी होगी। बड़ी संख्या में इंसर्जेंट्स या तो मारे गए हैं
या तो मुख्य धारा में शामिल हो गए। आज आप पूर्वोत्तर के राज्यों में जाएं तो आपको पूरी तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री काल की सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक विक्ट्री नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली है। मुझे इस बात का व्यक्तिगत रूप से संतोष है कि इन 7 वर्षों में 5 साल मुझे भी गृह मंत्री के रूप में इस पीस प्रोसेस से जुड़ने का मौका मिला है। साथियों, पूर्वोत्तर भारत में इंसर्जेंसी की समस्या पर जहां हमने काबू पाया है, वहीं पिछले 7 सालों में वामपंथी उग्रवाद पर भी नियंत्रण पाने में हमें सफलता हासिल हुई है। साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तो देश में करीब 160 जिले नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे थे, जबकि साल 2019 में ऐसे नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर लगभग 50 के आसपास रह गई थी। वैसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या और भी कम थी। सही मायनों में उनमें से भी 80% घटनाएं केवल 8-10 जिलों में ही हो रही थी। पर मुझे इस बात का संतोष है कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े इस संकट के खिलाफ वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में बड़े प्रभावी ढंग से कार्रवाई चल रही है। मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत की सेनाएं सरहदों और सागर की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम। सरकार की तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट और इनकरेजमेंट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेपनरी के साथ उनको लैस करना यह हमारी प्रायोरिटी है, ताकि भारत की सेनाएं दुनिया की मॉडर्न आर्मीज की फ्रंट लाइन में गिनी जाए। यदि हमारी प्राथमिकता नहीं होती तो भारत की वायुसेना का न्यू जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए 20 सालों का इंतजार अभी खत्म न हुआ होता, आज वायुसेना के पास राफेल जैसे फाइटर प्लेन्स आ चुके हैं और भारत की संप्रभुता, अखंडता, सीमा सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का जवाब देने की हमारी ताकत पहले से काफी बढ़ चुकी है। मगर भारत अपनी सामरिक और सैन्य ताकत के लिए आयातित हथियारों पर, यानी इंपोर्टेड वेपन्स प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसलिए ही हमारे प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड, यह हमारा आत्मनिर्भरता का संकल्प है। राष्ट्रीय सुरक्षा का ताना बाना तभी मजबूत होगा जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। आज रक्षा बजट में आपको जानकर खुशी होगी, भारतीय कंपनियों से सामान खरीदने के लिए अलग से भी बजट की व्यवस्था कर दी गई है। अब पूरे बजट एलोकेशन का, कैपिटल बजट एलोकेशन का, अब 64% हथियार भारतीय कंपनियों से ही खरीदने की बजटीय व्यवस्था बना दी गई है। और हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने करीब 200 से अधिक ऐसे आइटम्स की पॉजिटिव लिस्ट जारी की है जिन्हें अब विदेशों से आयात करने के बजाय भारत में ही बनाया जाएगा। साथियों, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी ढांचागत सुधार भी किए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लंबे समय के बाद देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन किया गया है और साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का भी गठन किया गया है। इन्हें आजादी के बाद भारत में हुए सबसे बड़े डिफेंस रिफॉर्म्स के रूप में गिना जाता है, क्योंकि लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी, लगभग जहां तक मेरी जानकारी है 18-20 वर्षों से, कि सीडीएस की नियुक्ति होनी चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पा रहा था। लेकिन मुझे कहते हुए बेहद खुशी है, रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद जब मैं प्रधानमंत्री जी के साथ बैठा था और इस संबंध में मैंने चर्चा की तो प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, इस संबंध में कैबिनेट का प्रपोजल तैयार कराइए। कैबिनेट प्रपोजल जाते ही उन्होंने अपनी सहमति दे दी। डिफेंस रिफॉर्म्स की इसी नीति पर आगे बढ़ते हुए हम एक नए तरीके से
थिएटर कमांड्स का निर्माण करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। यह भी अपने आप में क्रांतिकारी सुधार होने जा रहा है। अभी इस संबंध में ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा या फिर कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के सामरिक हितों की रक्षा और उन्हें मजबूती देने का काम, हम हर मोर्चे पर भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मित्रों, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जिस बड़े पैमाने पर काम चल रहा है वह अपने आप में अभूतपूर्व है। सुरक्षा से जुड़े हर विभाग के बीच एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद हम इस बात को लेकर सचेत हैं कि हमारी दृष्टि भारत विरोधी ताकतों के नापाक इरादों और मंतुमों को फलीभूत नहीं होने दे। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कुछ नए खतरे भी सामने आए हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के विकास के कारण देखने को मिले। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन की घटना ने इस तरफ हम सबका ध्यान आकर्षित किया है। इसलिए इस बात को भी हम समझते हैं कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को नई चुनौतियों के लिए लगातार अपडेट और अपग्रेड करते रहना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह काम भी हो रहा है। हमने आकाश से आने वाले नए खतरों से निपटने के लिए जहां मिशन शक्ति के माध्यम से एंटी सैटेलाइट स्ट्राइक क्षमता हासिल की है, वहीं ड्रोन से जुड़े खतरों से निपटने के लिए एक नई ड्रोन पॉलिसी भी सरकार ने घोषित कर दी है। इसके परिणाम स्वरूप जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को भी दूर किया जा सकेगा। साथियों, आज का विषय ऐसा है जिस पर दिन भर बोला जा सकता है, मगर समय की मर्यादा है, इसलिए मैं अपनी बात जल्द ही समाप्त करूंगा। इस समय देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्र के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगी। मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हर चुनौती पर हमने बहुत ही प्रभावी तरीके से काम किया है, मगर यह चुनौतियां डायनेमिक होती हैं जिस पर हमें लगातार काम करते रहने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। भारतीयों की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रही परिस्थितियों का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दे सकें। साथ ही कुछ और चिंताएं भी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती बन सकती हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार सजग है और हर तरह की परिस्थिति का सामना करने में हम सक्षम हैं। नभ जल थल, आकाश पाताल कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। हम अपनी तैयारियों को लगातार अपग्रेड भी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को समृद्ध, सशक्त और सुरक्षित बनाना। एक ऐसा भारत जो अपनी ताकत से लोगों को डराए नहीं, बल्कि छोटे छोटे देशों के अंदर भी एक विश्वास का भाव जगाए कि भारत की बढ़ती ताकत उनके लिए खतरा नहीं है और उनके लिए भी सुरक्षा का भाव जगाने वाला है। क्योंकि भारत के अतीत के पन्नों को पलटकर यदि कोई देखे तो वह इस नतीजे पर पहुंचेगा कि भारत ने कभी भी न तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण किया है, न तो दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत का ऐसा गौरवशाली अतीत है और भारत ने तो सदैव पूरे विश्व को ही अपने परिवार का सदस्य माना है। दुनिया का अकेला देश यह भारत है जिस भारत देश की धरती से पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, यानी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है वह केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत देश की धरती से गया है।
इसलिए हमारी जो भी कार्रवाई होगी वह किसी को भयभीत करने के लिए नहीं होगी, बल्कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सुरक्षा का भाव पैदा करने वाली होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय बलरामदास जी टंडन के प्रति पुनः श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत प्रेरणादायी व्याख्यान के लिए उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषय पर बोलते हुए हमें अपने राष्ट्र की अस्मिता एवं सुरक्षा तथा चुनौतियों से अवगत कराते हुए भारत की सुदृढ़ सुरक्षा वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया और हमें आश्वस्त भी कराया। देश के प्रति हमारे प्रेम, हमारी निष्ठा एवं हमारी आस्था को गहराने वाले ऐसे प्रेरणादायी व्याख्यान के लिए मैं पुनः उनका पंजाब विश्वविद्यालय तथा टंडन परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अब मैं मंच पर उपस्थित माननीय श्री अविनाश राय खन्ना जी से निवेदन करूंगी वे आभार प्रकट करें। अविनाश राय खन्ना जी पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में वे हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं तथा नेशनल रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन भी हैं। इसके अतिरिक्त वे सामाजिक उत्थान के लिए समय समय पर बहुत से राजनीतिक एवं सामाजिक जन कल्याण के कार्य करते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि वे आएं और आभार या 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 धन्यवाद। सबसे पहले आज के जो शुभ दिन है उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी हम बड़ी श्रद्धा और विश्वास के मना रहे हैं, उसके लिए सारे तरफ से बारे अभी हमारे वृष्टिता देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव बात हमारे सामने रखी है और अपना समय भी दिया है और ज्ञान भी दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे याद है जब संजय जी ने मुझे कहा कि आप श्री राजनाथ जी से मिलकर समय लेके आइए, 14 को हमने कार्यक्रम करना था लेकिन व्यस्तता के होते हुए आपने यह बात कही थी कि मैं टंडन जी के कार्यक्रम को मिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं जरूर आऊँगा, जरूर बोलूँगा। कुछ समय की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। आप आए, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार जी, इनका दो तरह से धन्यवाद है। एक तो इन्होंने इसको एक मेमोरियल लेक्चर हर साल करने का जो निर्णय लिया है, आशा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जो संजय जी ने घटनाएँ बलराम जी के बारे में बताई हैं और ऐसी घटनाएं जिनको हम नहीं जानते, हमने उनके साथ काम भी किया है, इस लेक्चर के कारण हम उनको बहुत नज़दीक से देख पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिसेस संजय टंडन जी जिनमें मैं देख रहा हूं मेरे साथ बतौर सह प्रभारी हिमाचल में काम करते हैं, जो बलराम जी की छवि थी जो हम देखते थे उनका बहुत सा इनके ऊपर असर है। काम करते करते मैं देखता हूँ कि जिस ढंग से हम लोग वहाँ हिमाचल में काम कर रहे हैं बहुत कुछ सीखने का मिलता है। कारण है कि उस परिवार से हैं जिस परिवार में सेवा, त्याग और राजनीति, उसमें काम करते हुए ये सब लोग आगे बढ़े हैं। मैं एक बार फिर अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस लेक्चर में आने का मुझे मौका मिला, सुनने का मौका मिला और संजय जी का साथ मुझे मिल रहा है, उसका भी मैं संजय जी आपका धन्यवाद करता हूं। अभी हमारी बहन पूनम और पंकज जी वहां बैठे हुए हैं, वो भी खुद यहां हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजनाथ जी के घर पे जाके, उनका भी इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने भी वहाँ समय निकाल कर इस कार्यक्रम को एक
लाइव कार्यक्रम बनाने की कोशिश की है। यहाँ हमारे काफ़ी सज्जन बैठे हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुहास जी हैं, चंडीगढ़ के मेयर रविकांत जी हैं, डिप्टी मेयर महेश इंद्र सिंह जी हैं, फॉर्मर मेयर राजवाला जी हैं और चंडीगढ़ के रामबीर भट्टी जी हैं, वो सभी आए हैं, उनका भी स्वागत। मैं एक बात टंडन जी के बारे में कहना चाहता हूँ। जब मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया 1997 में, उस समय टंडन जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो मैं पहली इंट्रोडक्शन उनके घर पे हुई, वो बहुत नज़दीक से उसी दिन मैंने उनको देखा। और जब वो जीत कर मंत्री बने, सरकार बनी, तो हम सब संघ के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि गढ़शंकर का एक बहुत जो यूज़ होता है रोड, उसका नाम डॉक्टर हेडकेवार किया जाए। मैं वहाँ से यहाँ आया, आकर रिक्वेस्ट की, टंडन जी ने पैसे भी दिए और ख़ुद आकर उस सड़क का उद्घाटन भी किया। मैं इसलिए ये बात आपको कह रहा हूँ कि विचारक दृष्टि से टंडन जी एक इस ढंग से काम करते थे कि कार्यकर्ता को ये लगता था कि वो ही मंत्री है, वो ही MLA है, ऐसी उन्होंने सब भावना लोगों के मन में डाली हुई थी। मैं समझता हूँ कि यार जो लेक्चर ये शुरू हुए हैं, संजय जी, ये आपको इसके पीछे हर समय पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने पहले वेंकैया जी को बुलाया, नड्डा जी आए, अब राजनाथ जी आए, ऐसे ही लोग जब आकर टंडन जी के बारे में, फिर कुछ विषयों के बारे में बात करेंगे, उससे जनता को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस बात को कंटिन्यू रखा। लेकिन कोरोना के काल में अगर मैं बात वो ना कहूं तो मेरी बात का भी वो अधूरी रह जाएगी। जिस ढंग से कोरोना काल में आपने लोगों की सेवा की है, आपको उसके लिए बेशक 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया है, लेकिन यूनिक आइडिया के साथ, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपने इतना बड़ा काम कर दिया उस समय, वो हमारे लिए भी प्रेरणा का एक स्तोत्र था। तो मैं अपनी तरफ से आपके सारे परिवार को बधाई भी देता हूँ और आशा करता हूँ जैसे जैसे टंडन जी बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में वो हमारे बीच में जरूर उपस्थित होते होंगे और देखते होंगे कि उनकी विचारधारा को आगे लेके जाने के लिए टंडन परिवार किस ढंग से लोगों की सेवा कर रहा है। मैं आप सबका, यहाँ आप लोग आए जो वर्चुअली जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद, जो फिजिकल आए हैं उनका भी धन्यवाद। हम लोग जो आज कुछ सीख के जा रहे हैं उसको अपने जीवन में जरूर धारण करें, और हमारे स्टेट सेक्रेटरी का भी धन्यवाद जिन्होंने पूरे टाइम पे इस कार्यक्रम को समाप्त करवाने के लिए अपनी भूमिका निभाई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अविनाश राय खन्ना जी का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मैं यहाँ उपस्थित चंडीगढ़ के मेयर श्री रविकांत शर्मा जी से आग्रह करूँगी कि वे मंच पर आएँ और बलराम जी दास टंडन जी के जीवन पर आधारित उनकी जीवनी, जिसका शीर्षक है बलराम जी दास टंडन एक प्रेरक चरित्र, और इसके लेखक हैं उनके सुपुत्र श्री संजय टंडन जी। मैं आग्रह करूंगी कि रविकांत जी अविनाश राय खन्ना जी को उसकी एक प्रति भेंट करें। आज के स्मृति व्याख्यान के लिए ऑनलाइन जुड़े तमाम लोगों का और मीडिया कर्मियों का, विचारकों का, समाज सुधारकों का, हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं तथा टंडन परिवार के सदस्य हैं, और हमारे बहुत से अतिथि जो बाहर से आए हैं अविनाश राय खन्ना जी की तरह, उनका भी बहुत बहुत आभार। आप सबको पुनः एक बार जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।